हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पांडे पेट्स एंड गार्डनिंग में। दोस्तों, आज हम आपके सामने गुलाब की एक बहुत ही खास वैरायटी लेके आए हैं। इसका नाम है स्वीट अवलांच और ये लाइट पिंक कलर का एक बहुत ही अच्छा डच वैरायटी का गुलाब है। और इसका आप कलर देखिए, और इसकी खासियत यह है कि ये कम से कम 10-15 दिन तक ये आपका फूल खिला रहता है, और उसके बाद सूखने के बाद भी ये फूल झड़ता नहीं है, फूल प्लांट में रहता ही है। तो ये जो प्लांट है हमने पिछले साल पुष्पांजलि परनवीर से लिया था, तो अभी ये 8-9 महीने पुराना ही प्लांट है। और इसकी हमने प्रूनिंग भी नहीं की थी, तो पत्तियाँ इसमें ऐसी हैं। ये देखिए, ये टैग है इसका पुष्पांजलि परनवीर का, और इसके नीचे से ये स्वीट अवलांच। ऐसे ही हम पे डच की और भी बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, वो भी हम आपके साथ धीरे धीरे शेयर करते रहेंगे। और इन फूलों को शेयर करने का मेन मकसद ये है कि जो हम इनके कैटलॉग में देखते हैं प्लांट्स के नर्सरियों के, उसमें फूल अलग तरीके का होता है और एक्चुअल में अलग आता है। तो हमारी कोशिश ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ की वैरायटी के बारे में, उसके कलर के बारे में और उसकी क्या क्या खासियत है उसके बारे में बताएं। तो इसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी हम लेटेस्ट वैरायटियाँ या गुलाब के बारे में हम आपको बताएं या अन्य प्लांटों के बारे में आपको बताएं, तो वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप वो वीडियो देख लें। तो बात करते हैं दोस्तों अवलांच के बारे में। ये अवलांच जो है नीदरलैंड की एक कंपनी माइजर रोजेस का गुलाब है, और अवलांच वैरायटी को इन्होंने जो डेवलप किया है वो खास कट फ्लावर के लिए और इसकी लॉन्ग लाइफ के लिए और इसके शेप के लिए डेवलप किया है। अवलांच के और भी कलर हैं, एक वाइट अवलांच है, एक स्वीट अवलांच है, एक पर्ल अवलांच है। तो तीनों ही बहुत ही अच्छी वैरायटी हैं और काफ़ी हार्डी वैरायटी हैं, और इनमें जो डिजीज़ है वो भी बहुत कम है। आप इसी प्लांट को देखिए, मैंने इसको प्रूनिंग भी नहीं दी है, फिर भी इसमें 3-4 फूल खिले हैं। ये फ्लावरिंग ख़त्म होने के बाद भी मैं इसको प्रून नहीं करूँगा, क्योंकि अब टाइम चला गया, तो मैं इसे ट्रिम करूँगा और इसके फूलों को हटा दूँगा। तो जो कैटलॉग में जो इनका फ्लावर दिखता है वो बहुत अलग दिखता है, उसके एजेस वाइट है, लेकिन ये पूरा पिंक ही खिल रहा है, बेबी पिंक कलर या लाइट पिंक कलर जो भी आप कहें। तो ऐसी बहुत सारी वैरायटियाँ होती हैं, फ़ोटो में कुछ और दिखता है, जब हम लाते हैं तो उसमें फूल कुछ और खिलता है। तो वो क्लाइमेट का भी होता है, वेदर का। ये देखिए, ये पूरा वाइट हो गया है, पर अभी तक ये प्लांट में अभी भी टिका हुआ है फूल। ये कम से कम 15 दिन पुराने फूल हैं जो अभी तक पेड़ में हैं। तो काफ़ी अच्छी वैरायटी ये है, बहुत ही डिजीज रिजिस्टेंट वैरायटी है। तो आप भी इसको ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। और इसी तरह जो हम पे और भी वैरायटियां हैं, हम एक पूरी रोज़ सीरीज़ कर रहे हैं, जो जो गुलाब हमारे खिलते रहेंगे हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो बने रहे चैनल में। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।